तुर्की का सेब है, ये नस्ल पाकिस्तान का नस्ल लगा नहीं है, सही लोगों ने बागों में रुकवाया हुआ है, रुकवाया हुआ है, अभी आएगा ये 7-8 तारीख को, जब कटाई होंगी ना तो कमी नहीं होगी, मेरा ख्याल से बढ़ेगा, रमजान जब आएगा ना तो रेट इसका और ऊपर, माल की कीमत जो है बढ़ेगी या कम होगी, रमजान में बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह को रमजान के बाद। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची सब्जी मंडी में और ये आप देख सकते हो फ्रूट्स का सेक्शन, मुख्तलिफ इस वक्त फ्रूट्स मौजूद हैं जिसमें तरबूज सरे फहरिस्त गरमा बीजू और खरबूजा, ये इस वक्त मार्केट में काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। रमज़ान भी इस वक्त 10 दिन के बाद आने वाला है तो रेट्स वगैरह का जायज़ा लेंगे आज और देखते हैं कि रमज़ान से पहले मंडी के अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं, तो चलते हैं आपको विज़िट कराते हैं। भाई इस वक्त ये बोली लग रही है, चलो 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 मेरे प्यारे भाई, इधर आओ, इधर आगे चलो चलो, इस फ्रूट की क्या कहलाते हैं उस्ताद, चलो चलो, कौन सा फ्रूट है ये, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बीजू, बीजू, इसकी बोली लग रही है इस वक्त, इसका नाम है बाजान बीजू कोई समीते कोई, चलो 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 चलो, यहां बीजू कोई देख सकते हो इस वक्त मंडी की सूरत, चलो चलो चलो, और आपके सामने मंडी, बारह दाने 1900 रुपए के, 850-900 माल, एक दाना कितने किलो का ये, एक दाना 12 दाने 900 रुपए, एक दाना कितने 2 किलो का होगा, एक दाना 2 किलो का होगा, 2 किलो नहीं है 1.5 किलो है, 1.5 किलो तक का, 1.5 किलो 1.25 किलो, सही सही 1.5 किलो 1.25 किलो तक का इसका वजन है, एक दाने का क्वालिटी के ऊपर है, 700 का भी 800 का भी, 1000 का भी, ये 24 दाना है और 400 रुपए का, हाँ जी, और गोलाची या बिजू कहते हैं इसको, ये 2 नंबर है, एक नंबर जो है ना इसका 24 दाना वो 700 रुपए का बिक रहा है, 600 रुपए का, एक नंबर 24 दाना 700-600 रुपए में, साइज में बड़ा होगा इससे नहीं, वो एक नंबर चीज होगी, ये 2 नंबर जी भाई, होगा उसमें वो कड़क होगा ये नरम होगा, ठीक है, और ये है किस जगह का, ये गुलाची का है, किस जगह गुलाची का है, ये आप देख सकते हो गोलाची या बिजू कहते हैं इसको, जी भाई जानिए 7 के भी बेचता है, एक दिन 7 400 में भी बिकता है, अभी क्या रेट है, अभी आपके लिए 650 रुपये में है, क्या नाम क्या है इस फ्रूट का, ये गरमा, गरमा है, 650 का, वजन में कॉटन कितने का है, वजन 13-14 किलो, कॉटन का वजन 13-14 किलो है, और एक दाना कितने किलो का है, एक दाना 1.25 किलो होगा, 1.5 किलो होगा, मतलब सही सही सही, गर्मा कहलाता है ये, और रेट इन्होंने भाई ने बताया, ये पहले 800-800 बिक रहा था, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, उधर बारह चू गया, थोड़ा इसमें अभी कमी आ गया, सही जाने वाला भी मुश्किल से आ रहे हैं, जो ले जाएगा उधर वो रेडी वाला भी बहुत परेशान है, बट्टा बिकता नहीं है, यहाँ दाम नहीं है, समझ गया, कहाँ से, सिंध से आ रहे, ये सिंध से आ रहे, बाबा सिंध से आ रहे, इस वक्त आप देख सकते हो खरबूजा भी काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर सब्ज़ी मंडी के अंदर मौजूद है, और आप इसकी डीलिंग देख सकते हो, रमज़ान भी करीब है और इसका सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, क्या रेट है इसका, 400 का है, और क्या वज़न का क्या हिसाब है, दाने का क्या, मतलब इसमें क्या हिसाब किताब है, वज़न तो 12-13-14 किलो तक हो जाएगा, सही सही, और अच्छा, और दाने कितने होंगे इसके अंदर, के अंदर दाने होंगे 22 दाने, 22 दाने होंगे, सही है, ये आधा किलो से कम का दाना ना, एक जी एक दाना आधा किलो से कम का पड़ेगा ना, एक दाना आधा किलो होएगा, सही सही, और इसका क्या रेट है, ये भी एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, अच्छा इससे सुपर चीज़ है कोई, जो इससे महंगी चीज़ है, इससे ये किंग है, अच्छा ये किंग है, खराब है, बाजार जब खराब होते हैं रेट भी कम होते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, रेट गिर जाते हैं, सही बाजार सही होते तो ये माल 800-900 रुपए के भी बिक जाते हैं, सही सही, बाजार के हिसाब होते ना, सही सही, बाजार खराब 200 रुपए की है, कितने का ऑर्डर है,
ये तो डेढ़ सौ का बिक गया मेरा बिक गया। सही सही, 150 का बिक रहा है भाई, इतना सस्ता है आप देख सकते हो। और वजन का पूछ लेता हूँ मैं, ये 20 भाई ने लिया। वजन में कितना होगा सर? पार्ट करेंगे यार। वजन में कितना होगा? वजन में होगा तकरीबन 13 किलो 14 किलो। सही, 14 किलो आप देख सकते हो, छोटा दाना है। सही, और इस वक्त काफ़ी खरबूजा सस्ता चल रहा है। 800 रुपये की पेटी है। 800 रुपये की पेटी है। कितना दाना है इसमें? इसमें दाने 20। 20 दाने, 1 किलो से ऊपर के दाना? 1 किलो का नहीं, नहीं 15 किलो वजन होगा। 15 किलो वजन होगा। और इसका क्या रेट है? इसका क्या वजन है? इसका 500 रुपये। और इसका वजन क्या? इसका वजन सही सही वही वजन है इसका सेम। ये खरबूजा आपको पड़ेगा कम से कम, अच्छा दुकानदार को है ना, 40 रुपये किलो। सही, वो 50-60 के बिकने का हक रखते हैं। सही, वो खरबूजा 20 रुपये किलो बेचेगा, लोगों को वारा करेगा, वो पड़ा हुआ बेकार है दोनों में। अच्छा सर, तो ये इस वक्त आप कितने का दे रहे हो ये डब्बे? हाँ, ये अभी हम दे रहे हैं 450 रुपये का खरबूजा, 500 का 10 दाने। हाँ 10 दाने, अच्छा खरबूजा, हल्का का हल्का दाम होते हैं, अच्छे का अच्छे रेट होते हैं। सही, किंग है ये? हाँ ये किंग के भी बाप। ये कितने किलो का दाना है? ये 2-2.5 किलो का दाना होगा। सही, और क्या इसका दाने का क्या रेट है और मन का क्या रेट है? मन 800 रुपये, दाना 60 रुपये का। दाना 60 रुपये का है, तो ये फिक्स प्राइस है, इसमें कमी बेशी हो जाती है? 5-10 रुपये कमी बेशी हो जाती है। सही सही, और ये भी सेम है या ये अलग साइज है? फुल साइज से थोड़ा नीचे वाला साइज। क्या इसका वेट क्या है? 70 रुपये। वेट 70 है, वजन में कितना है? वजन 3 किलो होगा। 3 किलो होगा, सही। और माल कहाँ से आ रहा है ये इस वक्त? ये माल सिंध का है। सिंध का? लड़काना से आ रहा है? लड़काने का नहीं। अच्छा, सिंध के दूसरे वाले इलाके का। सही सही, और ये कितने है इसमें वजन में? ये वजन में उसके बराबर है, यहाँ वाला पड़ा हुआ है 2-2.5 किलो वाला, ये भी 3 किलो। अच्छा, कोई बड़ा दाना दिखाओ जो इनसे ज़्यादा वजन में हो। फुल साइज वाला बिक गया, अभी बिक गया। कोई 130 का था, कितने वजन में था वो? 5 किलो 6 किलो 8 किलो 7 किलो। 130 रुपये का एक दाना था। और मन का क्या हिसाब था? वो मन 1200 रुपये का था, वो 30 रुपये किलो यहाँ से बढ़ता है। 30 रुपये किलो यहाँ से चलता है। चलो सही है। ये तरबूज आप चेक कर सकते हो, काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर, बड़े साइज़ के अंदर मौजूद है। उस्ताद क्या रेट है इसका? 250 रुपये का। 250 रुपये का। उस्ताद क्या रेट है इसका? हाँ, रेट क्या है इसका? 200 रुपये एक दाने का। एक दाने। और ये किस जगह का माल है? ये तुरबत का। तुरबत का, सही सही। और इसका मन में क्या हिसाब किताब है? तो बस मन के हिसाब है। मन का क्या हिसाब है इसका? ये 1600 रुपये का। 1600 का। ये बड़े दाने में ही आपके पास मौजूद है, छोटा दाना नहीं है इसका? छोटा दाना बिके हुए। सही सही, और एक दाना ये कितने किलो में होगा? 8-10 किलो दाना होगा। 8-10 किलो होगा, काफ़ी बड़ा दाना है भाई, ये आप चेक कर सकते हो। ये देख लो आप, काफ़ी बड़ा दाना है ये, 8-10 किलो बता रहे हैं वैसे ये। ठीक है, तुरबा साइड का है ये, और 200 रुपये का एक दाना दे रहे हैं। ये 50 का बोल दिया तो फिर सारी डेरी आई। सही सही, 50-50 इसके अपने हिसाब से सारी डेरी, मतलब सारे का रेट हो गया। उसके बाद घाट डालेंगे थोड़ा, उसका हो गया। अगर ये हल्का दाना है, उसके बाद करेंगे भाई कितने का है, भाई 30 का होगा, 40 का होगा, 50 का होगा, 60 का होगा, अगर 10 का होगा, 16 का जानेंगे भाई सारा 13 होगा। तो इसमें जो भी आएगा वही आएगा, मतलब सारी डेरी उसकी हो जाएगी, सारी डेरी उसकी। तो ये इस वक्त कितने किलो का दाना है ये वाला? ये 2-2.5 किलो दाना है। सही, क्या एक दाने का क्या रेट है? एक दाने का 50-60 रुपये रेट है। 50-60 रुपये का रेट है। ये सारा माल आपका काजी अहमद का है? ये सारा क्या अहमद का नहीं है, ये बलूचिस्तान का भी आता है। बलूचिस्तान का कौन सा? ये वाला बलूचिस्तान का आते है। सही सही, ये आप देख सकते हो, ये वाला बलूचिस्तान का माल है। और ये कितने किलो का दाना है?
दाना कितने किलो का? ये तकरीबन होगा 6-7 किलो दाना। सही है, रेट क्या इसका? रेट इसका 150-160 रुपए। 150-160 है। 160। और ये माल कहाँ का? ये कालिया का, ये जो है ये काला वाला जो है ये क्या नाम है इसका? सिंध का है। सिंध का है? सिंध में ये लाड़कानी का। लाड़कानी का क्या रेट है इसका? इसका रेट है 60 रुपए। 60 किलो दाना। 2 किलो का? 2 किलो है। 2-3 किलो का दाना? हाँ, 2-3 किलो दाना। सही। और मुख्तलिफ दाना वो वाला भी उधर का? ये बलोचिस्तान का है। सही। और ये? ये भी बलोचिस्तान का है, ये जो है ना, ये भी बलोचिस्तान है। ये बलोचिस्तान का है, ये जो है लाड़कानी का, मैंने बताया जी, असद काजी अहमद का है। सही सही, ये काजी अहमद का है। तो टोटल यही माल है आपके पास? ये माल है। और कुछ बताओगे अभी मंडी के हवाले से कि मंडी कैसी है इस वक्त? मंडी इस वक्त बहुत ऊपर है। ऊपर है? तो कोई नुकसान तो नहीं है आपका? अभी नुकसान हो जाते हैं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कमा जाते हैं। सही सही। तो अभी ये रमज़ान के हवाले से बताओ कि अभी माल की कीमत जो है बढ़ेगी या कम होगी? रमज़ान में बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह को उम्मीद है और भी बढ़ जाएगी, माल की कीमत बढ़ जाएगी अभी। तो ये बताएं तरबूज के बारे में मालूम दें अभी कि किस तरह का तरबूज है, कहाँ से अभी इस वक्त आ रहे हैं और जो है ना किस रेट्स के अंदर मौजूद है इस वक्त? अभी तो आ रहे हैं तकरीबन कसूर से, मेरे ख्याल से आ रहे हैं, और ये लड़काने से आ रहे हैं। ठीक है। तो लड़काने का रेट थोड़ा ऊपर जा रहे हैं और बाकी जो है ना ये थोड़ा नीचे है। तो थोड़ा दिखाओगे कौन सा जो लड़काना वाला, कौन सा लड़काने वाला उस साइड पे जिस पे वो हरा पत्ते वगैरह आ रहे हैं? ठीक है। और क्या उसमें वजन में कितना है और क्या उसके रेट क्या है? ये वजन में तकरीबन 3-4 किलो तक है, रेट चल रहा है 80-100 रुपये। 80-100 रुपये किलो तक चल रहा है? और दाने के हिसाब से? दाने के हिसाब से 50 रुपये किलो के लोग चल रहे हैं, 50 रुपये किलो शहर में चल रहे हैं अभी। सही सही। तो अभी इसके रेट्स वगैरह में कमी होगी? तो कमी नहीं होगी, मेरा ख्याल से बढ़ेगा अभी, रमजान जब आएगा ना। हाँ, तो रेट इसका और ऊपर। 1150 रुपये का है। 1150 रुपये का कॉटन है। कितने वजन में? 14-15 किलो के दरमियान होगा ये। 14-15 किलो के दरमियान। ये मुख्तलिफ घर में है क्या ये? यही मुख्तलिफ घर में है, जो बीजू घर में कहलाता है वो रखा हुआ है। 550 रुपये का है वो। 550 का है। और ये कौन सा कहलाता है? ये अच्छा अंदाजा लिखा है, मीठा ओरिजिनल गर्मे की तरह होता है ये। सही सही। तो इसके अंदर मुख्तलिफ रेट्स होते हैं? जी हाँ, माल के ऊपर होता है। कार्टन 400 का भी मिल रहा है, कोई 1000 का भी, कोई 1200 का भी। सही। आइटम के ऊपर होते हैं आपके। इससे बड़े साइज में कितने तक का कॉटन मिल जाता है? इससे बड़ा गरमा ये नहीं आ रहा, इसमें का यही साइज आ रहा है अभी। सही सही सही। तो अभी आपके पास फिक्स यही रेट्स चल रहे हैं अभी? तकरीबन नहीं चल रहा है, हल्का माल है तो 1900 का भी मिल जाएगा आपको। सही। ये जो आप रेट्स बता रहे हैं इसमें कमी बेशी हो जाती है अगर कोई ख़रीदार आपके पास आता है? ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता, हम लोग 50 रुपये का फ़र्क होता है मुश्किल से। अरे कितने का दर्जन है ये? कितने का माल है ये? भाई 3000 रुपये। 3000 का है? और कितना दर्जन है इसमें? 40 दर्जन है। 3000 का। ये सुपर से नीचे वाला है? जी। सुपर क्वालिटी से नीचे वाला है ये? जी जी। सुपर क्वालिटी 3600-3800 तक चल रहा है। जी जी। तो अभी ये रमज़ान में और बढ़ेगा रेट इसका या अभी? रमज़ान में इसका रेट बढ़ेगा और बढ़ेगा, रमज़ान का माल लगा नहीं है। सही। लोगों ने बागों में रुकवाया हुआ है। अभी आएगा ये 7-8 तारीख को जब कटाई होंगे रमज़ान का लाट लगेगी। सही है। 7 तारीख को या 8 तारीख को लगेगी तो अंदाजा चल जाएगा, अंदाजा कि भाई ये पेटी कितने के जाए। आज भी सुपर माल लोगों ने 4000 का पेटी भरा है। सही सही सही। आज के दिन भी सुपर माल है वो 4000 के लोगों को पड़ गया। सही। तो एक अंदाज़ा होगा आपका कि इस तरह का माल रमज़ान में कितने तक का बिकेगा? इसका तरह माल जो है ना ये बिकेगा 3500 रुपये तक। 3500 तक का बिकेगा ये सुपर माल? 4000-4200 तक बिकेगा सुपर माल। सही सही सही। ठीक है, आप चेक कर लो इस क्वालिटी में ये माल है। पेटी का क्या रेट है? 1600। कितना दर्जन है? 40 दर्जन 1600 का। हल्की क्वालिटी का माल है ये। इसका बराबर है इसका, ये कम है इसका? एक ही है। तीन हज़ार के लिए आपने? इस वक्त केला काफ़ी महंगा चल रहा है। केला काफ़ी और महंगा हो गया, रमज़ान हो गया, 4000 का नहीं देखा। 4000 का हो जाएगा ये? 4000 का हो जाएगा। और ये केला अच्छी इसमें भी नहीं है, ये कोई सुपर माल भी नहीं है ये, वरना एक वक्त था सुपर माल 2000 का था उसका। वही के पास सुपर माल 2000 का होगा, ये रमज़ान का महीने में 4000 का हो जाएगा। 4000 का हो जाएगा, ये भी सस्ता है। सही सही सही। देख सकते हो कितना महंगा इस वक्त चल रहा है केला। ये भाई ने परचेजिंग करी है तो कीनू जो है बिल्कुल इस वक्त एंड पर चल रहा है। तो ये एक पेटी में कितना इस वक्त दाना है, क्या हिसाब किताब है इसका? ये 12 दर्जन है और ये 10 दर्जन है। ये 10 दर्जन है? सही है। कितने की पेटी है?
ये 350 का, ये 450 का, ये 450 का है। ये पंजाब साइड का है जी। सही सही, लहिया का है। और वो माल आपका है? चलिए इस माल की भी मालूम करते हैं। सर ये कितने का पेटी है? 700 की पेटी है। कितना है इसमें दर्जन है? एक दर्जन है 120 दाने। 120 दाने सही। ये पंजाब साइड का है जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का है। सही है, ये आप चेक कर सकते हो दाने सर, टोबा टेक्सिंग के हैं और 700 रुपये का माल है ये पेटी। ये वाला 130 रुपये सही है। ये 140 है। वज़न में क्या है? ये तोल का हिसाब होता है, तोल का हिसाब होता है। एक किलो भी मिल जाता है? एक किलो तो भी घर मिलते, पेटी होती है। कम से कम पेटी कितने की, कितने किलो की होती है? 10 किलो या उससे ऊपर की होती है? हमारे पास 10 किलो वाली नहीं होती। आपके पास कितने वाली होती है? 12 किलो 13 किलो 14 किलो। 12 किलो या उससे ऊपर की होती है आपके पास? 13 14 15 की। तो रेट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? माल छोड़ है, फसल नहीं है। वरना ये आपके पास, मैं पिछले दफ़ा आया था तो 80 रुपये भी चल रहा था, 70-80। सही सही, वही वाला सेम माल है ये, अभी 130 और 140 में चल रहा है ये। माल तो वही माल, उससे कमज़ोर है मतलब। अच्छा अच्छा, रेट ज़्यादा है लेकिन। पहले माल मोटे थे वो सस्ते थे, माल कमज़ोर है महंगे। सही सही, तो ये इसकी कोई उम्मीद है अभी सस्ते होने की या अभी लंबा अरसा चलेगा? सीजन तो इसका अभी 6 महीने का बाकी है। 6 महीने के बाद है? रमजान के बाद ही सस्ता होने के चांस। रमजान के बाद? इससे पहले नहीं होगा, रमजान में मजीद नहीं होगा। सही सही, ये साल में दो बार का फसल लगती है ना। सही, अभी जो फल लगा है ना ये महंगे बिकेगा, जो रमजान के बाद दूसरा फल लगेगा ना वो सस्ता। ये ईरानी गोल्डन सेब है और 10 किलो की वेट है, 1400 का रेट दिया इन्होंने। तो 1500 की बेटी है। हाँ, ये इसमें दागे निकाल रहे, साफ कर रहे ना वो देखो। हाँ हाँ, खराब दाने निकाल रहे, खराब दाने निकल रहे, ये देखो यहाँ। सही, तो ये कितने वजन में होगी जी? कितने वजन की होगी? 11 किलो की होगी। और सेब कहाँ का ये गोल्डन? ये तुर्की का। तुर्की का है ठीक, ये आप देख सकते हो तुर्की का सेब है। ये नस्वर पाकिस्तान का। 1350 में सेल कर रहे हैं बेटी। और ये 1050 की अफगानिस्तान का ये सेब है, गोल्डन सेब। कोलू सेब है, एक नंबर बिल्कुल। और 1500 का रेट है इसका, 17 किलो इसका वज़न होगा ठीक है। 17, 16.5, 16 किलो इस तरह से वज़न में निकल सकता है ये। अच्छा भाई, ये 80 रुपये का एक दाना है और 800 रुपये का पूरा माल। ये 100 रुपये का एक दाना है। और पूरा माल कितने का ये वाला? ये 1000 रुपये का है, हाईब्रिड है। हाईब्रिड 15 का बेचा है। सही सही, 1000 का ये पूरा माल मिलेगा आपको। और ये वाला 800 में मिलेगा, थोड़ा छोटा दाना है। ये 600 रुपये। और वज़न में क्या है? 16-17 किलो 80-15 किलो। अच्छा, किस जगह का ये? ये लाड़काना पीरकोट, लाड़काना का है। इसके रेट बताएंगे कितने का ये पेटी? 1500 रुपये। और ये किस जगह का है? लाहौर का। ये कितने वज़न में होगी इसका? वज़न क्या है इसका? 15-16 किलो वज़न होगा। कितने की पेटी है ये? कितने की? 250 की। कहाँ की है? लाड़काना की है? लाड़काना कहाँ है? खैरपुर की है। सही सही, और कितने वज़न की है? 25 किलो। और ये वाली, ये कितने की है? ये वाली, ये वाली 250 रुपये। और ये कहाँ की है? ये भी खैरपुर की है। वज़न में कितनी? वज़न 15 किलो। 15 किलो। अच्छा भाई, इस वक्त ये स्ट्रॉबेरी बिल्कुल एंड पर चल रही है और आप ये देख सकते हो इतना ज़्यादा माल इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि ये कुछ माल मौजूद है। और 130 रुपये का इसका रेट है सिंगल इसका। चाहिए एक आप लोगे तो ये 130 रुपये का पड़ेगा और 7 से 9 किलो तक इसका वज़न निकल सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। तो बिल्कुल एंड पर चल रही है इस वक्त स्ट्रॉबेरी। लोकार्ट फल कहलाता है। और क्या इसका कीमत क्या है इसका डब्बे का? 350 का है डब्बा। कितने वज़न?
वो 350 का है, ये 250 रुपये, ये 250 का है। और कितना वजन है इसका? इसका वजन पौने 2 किलो, पौने 2 किलो। और उसका? उसका 3.5 किलो। 3.5 किलो सबकी यही कीमत है या अलग ऊपर नीचे? यही कीमत है। दो कार्ड कहलाता है ये, इसको आपको करीब से दिखा दूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।